एक बात बता दूं, इस दौर में ना बीवी को काबू करना इतना ही मुश्किल है जितना लास्टिक टूट जाने के बाद शलवार को। सही बता रहा हूँ। और बीवी को बिल्कुल मुतमईन नहीं किया जा सकता इस दौर के अंदर। वो कैसे? आप बीवी के सामने अगर बैंक लूट के भी ला के रख देना तो फिर भी आपसे गिले शिकवा करेगी। जान HBL क्यों लूटा, MCB नहीं लूट सकते थे? आजकल की बीवी का फैक्ट बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यानी कि मैं इनको चोरी के धंधे पे भी लगवा दूँ? लगा देना, शक्ल से वैसे ये चोर तो लगते ही है। बातें कर रही हो, तुम्हारा कसम हूँ। वैसे भाईजान तुम एक बात बता दूँ मैं, क्या ये तुम्हारे आज नसीब अच्छे के ये मुंह पे मेकअप करके आई है इतना? क्यों? कसम खुदा की बगैर मेकअप तुम इन्हें देख लो ना, ऐसे लगेगा कि वेस्ट इंडीज की चुड़ैल की बेटी है ये। वेस्ट इंडीज की चुड़ैल की बेटी, वो भी इतने खूबसूरत होगी? उर्दू सही नहीं है ये, क्या तुम मेरे इंसल्ट कर रही हो? प्यार से मारा है? हाँ प्यार। अच्छा एक बार यहाँ भी ये बुरा मान गया, इसको भी ये बुरा मान गया। ए, क्या कौन बुरा मान रहा है? ये वाला, ये ले, चलो हो गया, बराबर हो गया। क्या जानू आपने, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शहबाज सनम, सन ऑफ सिकंदर सनम, और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिकंदर सनम ऑफिशियल। हमारे खूबसूरत से शो का नाम तो आप लोगों को पता ही है, हमारे खूबसूरत से शो का नाम है सन ऑफ सिकंदर सनम शो। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा होगा फादर इन लॉ, उसकी ये दूसरी किस्त है। अगर आपने वाला एपिसोड नहीं देखा तो हमारे इस लिंक को क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। जब आप उस वीडियो को देख के इस वीडियो पर आएंगे तो आपको इसका डबल मजा आएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। तो आप सबकी घर बैठी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आएंगे दामाद, तशरीफ लेकर आएंगे। आपका मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? आपके मैयत में से आए हो? ऐसी बातें कर रहे हो, मैयत से आए हो? वैसे तुम एक तरह से सही भी कह रहे हो, जिस मौके पे तुमने मुझे यहाँ बुलाया है वो मैयत से भी कम मौका नहीं है। क्या मतलब आपका? मतलब क्या, पिछली बार तुमने वो मेरे ससुर जो एक बवाल है उसको बुला लिया, आज उससे बड़ी बवाल में मुसीबत को मेरे साथ तुमने बुला लिया। बहुत अच्छे, तो वो यहाँ पर आएंगी तो पता लगेगा ना कि आप में कितनी बुराइयां हैं। आप उनकी अबू की तो बुराइयां कर रहे थे, मतलब अपने ससुर की तो बुराइयां कर रहे थे, अब वो आएगी वो उन्हीं की कहानी उन्हीं की जमाने सुनेंगे। तो आप सबकी घर बैठी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आएगी इनकी बेगम, तशरीफ लेकर आती है। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। इससे पूछ ले कैसे आप, ठीक है आप? कभी मुझसे पूछा है? तेरा खसम मैं हूँ, वो नहीं है। इधर हो, नहीं हो रहा, चल इधर हो। थैंक यू सो मच। जानू कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जान। नहीं नहीं, दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी जान। मैंने ये कहा है, क्या हो गया आपको? ये आपके सामने अब तो आप बताएं कि इनमें क्या बुराई है, क्या खामी है जो आप अपने ससुर के सामने बयान कर रहे थे? एक वो तो बताऊँ ना मैं। क्यों? अभी कल की बात है। क्या मुझे आके बोलिए, जानू अलमारी के ऊपर से मेरा बैग उतार दो, मेरा हाथ ही जा रहा है। तो मैं कहा तेरी जबान तो इतनी लंबी है ना, उसी पे खींच के उतार ले। ये तो मैंने इनको प्यार में मारा है। अच्छा, घर आके देखेंगे ना तो क्या खूब पिटाई करती है। कोई बात नहीं, मेरा बड़ा ख्याल रखती है ये। अच्छा, मैं काम से जब भी थकावा जाता हूँ ना, पहले से पानी गर्म रखती है। बोल रही है जानू सर्दी है, ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोना, पहले से पानी गर्म करके रखती है। क्वालिटी है ना, नहीं क्वालिटी है। और बोलती है जानू आपके लिए बड़े डंडे वाला झाड़ू लेके आई हूँ, ताकि आपको बैठ के ना निकालना पड़े, आपकी टांगे दुख जाएगी। बड़ा ख्याल रखती है मेरा। और अरे मेरी बहुत खिदमत सेवा करती है मेरी। अच्छा, हाँ बोलती है जानू आज मैंने कम कपड़े निकाले, आज कल थोड़े धो लो, थोड़े कल धो लेना। फिर आप क्या करते हो? धोने पड़ते हैं पहले, आप कपड़े धोते हैं फिर आपका तबीयत से धोती है, ऐसा ही कुछ है ना। देखे मेरी बात जी, मुझे एक नौकर की जरूरत थी। तो है? क्या मतलब है, खसम हूँ तुम्हारा। प्यार से कहा है, प्यार से कहा है, प्यार से कहा है, बीच में बोलता रहता है। प्यार से मारे, मजाक में मारे, जो भी समझ लीजिए। मुझे एक नौकर की जरूरत थी, अब मेरे घर वाले शादी भी करना चाहते थे। मैंने सोचा क्यों ना दो काम एक साथ हो जाए, कैसे शादी भी हो जाएगी और मेरे घर में एक नौकर भी आ जाएगा, तो हस्बैंड की शक्ल में नौकर भी है, इसीलिए। ये तो अच्छा है ना कि इनको हस्बैंड भी मिल गया, नौकर भी मिल गया, आपके नौकर के पैसे भी बच गए। ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हारा खसम हूँ। वैसे भाईजान तुम एक बात बता दूं मैं, क्या ये तुम्हारे आज नसीब अच्छे के ये मुंह पे मेकअप करके आई है इतना? क्यों? कसम खुदा की बगैर मेकअप तुम इन्हें देख लो ना, ऐसे लगेगा कि वेस्ट इंडीज की चुड़ैल की बेटी है ये। वेस्ट इंडीज की चुड़ैल की बेटी, वो भी इतने खूबसूरत होगी? उर्दू सही नहीं है, क्या तुम मेरे इंसल्ट कर रही हो? प्यार से मारा है? हाँ प्यार। अच्छा एक बार यहाँ भी ये बुरा मान गया, इसको भी ये बुरा मान गया।
क्या कौन बुरा मान रहा है? ये वाला, ये ले, चलो हो गया, बराबर हो गया। क्या जानू आपने भी मारती है, सवाब मिलता है मारने से? आप ही बोले ना, इधर मजा नहीं आया, इधर मजा नहीं आया। जानू ये भी मार रहा है, तुम मारते तो ठीक है, वो क्यों मार रहा है? मैं एक बात बता दूं, इस दौर में ना बीवी को काबू करना इतना ही मुश्किल है जितना लास्टिक टूट जाने के बाद शलवार को। सही बता रहा हूँ, और बीवी को बिल्कुल मुतमइन नहीं किया जा सकता इस दौर के अंदर। आप बीवी के सामने अगर बैंक लूट के भी ला के रख देना तो फिर भी आपसे गिले शिकवा करेगी। जान HBL क्यों लूटा, MCB नहीं लूट सकते थे? आजकल की बीवी का फैक्ट बता रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यानी कि बैंक को चोरी के धंधे पे भी लगवा दो? लगा देना, शक्ल से वैसे ही चोर तो लगते ही है। अच्छा बात सुने, बात हो रही है यहाँ की, बात हो रही है। अब ये लड़ाई झगड़ा आप अपने घर पे जाके कंटिन्यू रखिएगा भाई, हम तो यहाँ मिलाने के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों प्यार मोहब्बत से रहे। पिछले जो एपिसोड में जब ये आपके अब्बू के साथ और ये अपने ससुर के साथ जब यहाँ पर आए थे तो काफी इन्होंने अपने ससुर के साथ बदतमीजी भी करी थी और आपके अपोजिट बातें बहुत करी थी कि मुझे कोई दे नहीं रहा था और इनकी बेटी को कोई ले नहीं रहा था, ऐसा कहा था इन्होंने। फसा क्यों रहा है, मेरे बाप अभी घर भी जाना है, यहाँ तो कम पड़ी है वहाँ पे। मजाक कर रहा है ठीक है, अच्छी तरह इसका मजाक पता है। अच्छा चले, फिर इंशाल्लाह आपसे नए एपिसोड में अगर आप आपको वापसी बुलाएंगे जब आपके यहाँ खुशखबरी कोई बेबी आ जाएगा तो आप तीनों जाने आइएगा, ठीक है ना? भाई जी एक बात है, इससे ले लो क्या कि यहाँ तो इसने मार लिया घर पे मुझ पे। हाँ घर पे जान से मार दीजिएगा। भाग कर रहे हो, भाग कर रहे हो, उनको पकड़ के रखे आप, और आप घर पे जरूर आइएगा। ओके, हो सकता है मेरा दूसरी शादी का भी इरादा बना है। क्या? ठीक है ठीक है, मैं जैन बना लूंगा, मैं जैन बना लूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आई होप कि आपको हमारा ये आज का मजेदार सा प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मैंने कहा था ना कि आप पिछला एपिसोड देख के यहाँ पर आए तो आपको ज्यादा मजा आएगा, आप यकीनन यहाँ पर वो वाला एपिसोड देखकर आए हैं। तो वो नए आने वाले व्यूवर्स जिन्होंने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, काइंडली प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें, सनम्स ऑफिशियल हमारा फेसबुक पेज है, ताकि हम लोग फेसबुक पे भी जो भी वीडियो अपलोड करें वो भी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिल वक्त इजाजत दीजिए मुझे, फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए मेहमानों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।